नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें मैं आपको जीके और इंग्लिश का वीडियो रोज प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं वीडियो जीके और इंग्लिश का अलग अलग प्रोवाइड कर रहा था रोज, आज से रोज आपको जीके और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट दोनों साथ ही मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कॉमेंट कीजिएगा, अगर नहीं लगेगी तो वो भी बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके का वीडियो देखेंगे। पहला सवाल, ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आप SSC, JPSC, JSSC, GD, CGL, CHSL, CPO, रेलवे, NTPC, RPF, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं रोज़ आपको मैथ का भी वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सकें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप में से कितने लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं हमको बताइएगा। कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो देखिए, केंद्रीय एजेंसी जो है केंद्र सरकार की ओर से जो करेंसी नोट जारी करती है वो कौन सी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। दोस्तों, मैं अलग से भी आप लोगों को GK GS पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा, और ये वीडियो के बाद तुरंत आपको 10 से 10:30 बजे के रात के भीतर आपको 150 प्रश्नों का सिविक्स का मैं तैयार करके रखा हूँ। सिविक्स का यानी अर्थशास्त्र से जो सवाल पूछे जाते हैं उसका मैं पूरा तैयार करके रखा हूँ, उसको मैं अपलोड कर दूँगा। तो चलिए, इसका ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा, भारत के GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो देखिए, भारत के GDP में अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है वो है आपका ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? तो ये था आपका लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करते हुए मांग रखा था। ठीक है, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। मैंने अध्यक्ष के बारे में इसलिए बताया कि अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें जो भारतीय को पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है तो इसमें मदर टेरेसा देख लीजिए। मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, और अमर्त्य सेन को मिला 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और कैलाश सत्यार्थी को मिला था आपका 2014 में, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार, और इसमें डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को नहीं मिला है, याद रखिएगा, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को नहीं मिला है। सवाल है, त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, त्र्यंबकेश्वर जो है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन एक, गोदावरी नदी का, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, और कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से होती है, और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? देखिए, प्लेटिनम का जो है, ठीक है, प्लेटिनम का है 1768 डिग्री सेल्सियस, कितना है 1768 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, ठीक है, कितना है 1768 डिग्री सेल्सियस। और सोडियम का जो है वह 97.79 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपका ये जो है एंटीमनी का है 630.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और क्रिप्टन का है -157.4 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप जान रहे हैं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम है एप्सम सॉल्ट, याद रखिएगा, एप्सम सॉल्ट,
और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है H14MgO11S। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो देखिए, एक टेराबाइट जो होता है ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024, एक मिनट, 1024 नहीं हो जाएगा, एक टेराबाइट जो होता है वो हो जाएगा आपका 1024 को 1024 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1024 को 1024 से गुना करेंगे तब हो जाएगा, यानी 1024 गुना 1024 मेगाबाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक टेराबाइट में जो होता है, एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, जीबी जिसको बोलते हैं, और एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है, ठीक है, एमबी जिसको बोलते हैं। तो एक टेराबाइट में क्या होगा कि 1024 गीगाबाइट यानी जीबी और 1024 एमबी दोनों को गुना करेंगे तब एक टेराबाइट होगा। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो देखिए, ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव जी को। ठीक है, अब एलिफेंटा की गुफाएं है कहाँ? तो मुंबई के निकट अरब सागर स्थित पहाड़ी द्वीप की गुफाएं यद्यपि पौराणिक देवताओं की मूर्तियों के लिए समर्पित है और इन मूर्तियों में भगवान शिव को समर्पित त्रिमूर्ति सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है और इन गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है भारत में? देखिए, भारत में जो है ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रा नोट छापता है और यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत हुई थी। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंध है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंध है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संबंध पूछा गया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ किसका संबंध है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिले में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? प्रभावी अग्निशामक, तो प्रभावी अग्निशामक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेलॉन्स। ठीक है, हेलॉन्स जो है निम्न विषाक्तता वाले रासायनिक रूप से अस्थायी वैसे यौगिक हैं जिनकी 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही याग एवं विस्फोट से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रभावी अग्निशामक सिद्ध हुए हैं, ये स्वच्छ एवं मनुष्य के लिए अत्यंत सुरक्षित अग्निशामक हैं। निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी से अधिक सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? ठीक है, किसकी कमरे के तापमान पर पानी से सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस कमरे के तापमान पर पानी में आसानी से घुल जाती है। 14 नंबर सवाल, डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरा कुम्हार, गोरा कुम्हार। ठीक है, गोरा कुम्हार भक्ति आंदोलन से जुड़े महान संत थे और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायु की आर्द्रता डैश से नापी जाती है। वायु की जो आर्द्रता होती है वह हाइग्रोमीटर नामक वैज्ञानिक युक्ति से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। चलिए, एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए डैश वर्ष में 1943 में स्थापित किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो हो जाएगा ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, और अशोक का पिता था, अशोक का पिता था, ये दोनों का कोई संबंध नहीं है इससे। छायांकन का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, छायांकन का जो आविष्कार हुआ, छायांकन का आविष्कार किया विलियम फ्रिज ग्रीन द्वारा, विलियम फ्रिज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार किया था। वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सब जगह एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य होता है, पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र एक समान होता है और वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सब जगह एक समान होता है। कोल्डी हवा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? देखिए, कोल्डी हवा पुरातात्विक स्थल के बारे में पूछा जाता है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, जो मध्य आपका नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी 20 सवाल ही हुए हैं,
अभी और सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, सवालों का बौछार कर दूंगा। सवाल इधर है बाबू, उधर कहाँ जा रहे हो? ए आजा आजा आजा, हाँ और नीचे आजा, अभी तो सवाल निकालना। हाँ चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है इसमें जो हो जाएगा, सवाल थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आ गया, चलिए मैं सवाल आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि स्वतंत्रता की जो है, स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? यहाँ पर बोलने हो जाएगा, बोलने आदि। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। चलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, ललिता बब्बर डैश से संबंधित है। ललिता बब्बर किससे संबंधित है? तो ललिता बब्बर भारत की लंबी दूरी की महिला धावक है, ठीक है, लंबी दूरी की महिला धावक यानी दौड़ से संबंधित है। लाइफ इज वॉट यू मैक इट का लेखक कौन है? लाइफ इज वॉट यू मैक इट का लेखक, लाइफ इज वॉट यू मैक इट का लेखक कौन है? तो लाइफ इज वॉट यू मैक इट शीर्षक पुस्तक प्रीति सेनोय द्वारा रचित 2011 में प्रकाशित पुस्तक है, प्रीति सेनोय। तो दोस्तों ये था जीके का, अब हम लोग आ रहे हैं इंग्लिश के वीडियो पर। तो इसमें भी 25 सवाल है। पहला सवाल है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ टू बी विल्डर, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ टू बी विल्डर, ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है टू बी विल्डर का। तो बी विल्डर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उसका अर्थ होता है भौचक्का बनना या परेशान करना, ठीक है, भौचक्का बनाना या परेशान करना। तो उसका सिनोनिम आपको बताना है, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका टू बेफल, टू बेफल, याद रखिएगा टू बेफल, ठीक है। और इसमें एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है? तो एक्सप्लिकेट का मतलब होता है स्पष्ट करना। उसके बाद है आपका एलुसिडेट, एलुसिडेट का मतलब क्या होता है? एलुसिडेट का मतलब जो होता है वो होता है स्पष्ट करना, समझाना। और बेफल का मतलब होता है व्याकुल या परेशान करना, तो यही हो जाएगा। और ओरिएंट का मतलब होता है नई जलवायु का अभ्यस्त होना, परिचय कराना, ठीक है। चलिए अगला है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है इसमें। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें जो एरर है, एरर का एरर क्या है इसमें? तो इसमें जो एरर है, पॉइंट ऑफ आर्ग्यू नहीं होगा, पॉइंट ऑफ आर्ग्यू नहीं होगा, पॉइंट टू आर्ग्यू हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट टू आर्ग्यू, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फेरेज, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, चार अल्टरनेटिव दिया हुआ है, चार अल्टरनेटिव से आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो टू हेड्स आर बेटर देन वन, टू हेड्स आर बेटर देन वन का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ जो है टू हेड्स आर बेटर देन का वन का मतलब होता है किसी विषय मुद्दे पर किसी अन्य से भी राय लेना बेहतर होता है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस ऑफ ए सेकेंड पर्सन। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी ये जो नो अंडरलाइन सेगमेंट है यहाँ पर अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, लग रहा कि कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट करने से सुधार हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन में टिक मारना है, ठीक है। तो जैसे इट इज फैसिनेटिंग टू वॉच हाउ ये बेबी चेंज एंड डेवलप्स ओवर टाइम, तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ हाव के बाद दूसरा क्लज शुरू होता है, ठीक है, जिसका दूसरा क्लज शुरू होता है तो जिसके अनुसार दोनों वर्ष का प्रयोग हुआ है, तो दोनों वर्ष का प्रयोग हुआ है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा, सही है, ठीक है। ये बेबी है तो चेंज सिंगुलर वर्ब है, डेवलप सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर पर्सन है, सही है, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें
ग्रामेटिकल इरर बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मैक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है आपको सही शब्द इसमें भर के। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें डिपेंड्स हो जाएगा, ठीक है। वाक्य रेगुलर एक्शन को व्यक्त कर रहा है, वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, अतः सही विकल्प डिपेंड्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, जिसका स्पेलिंग सही है उस वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें स्पेलिंग किसका सही है, तो इसमें जो स्पेलिंग सही है वो स्पेलिंग सही है प्रोफर्स का, ठीक है। प्रोफर्स जिसका अर्थ होता है भेंट करना या प्रस्ताव करना, इसका स्पेलिंग में गलती है। आगे सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ टू डिस, टू डिस्यूड, टू डिस्यूड, ठीक है। टू डिस्यूड का अर्थ होता है बहकाना, क्या होता है बहकाना, तो इसमें थोवार्ट का अर्थ होता है विघ्न या अडंगा डालना, ठीक है। और प्रीक्यूलिड का जो अर्थ होता है प्रीक्यूलिड का, उसका होता है बंद करना या रोकना। और एवर्ड का अर्थ होता है हटाना या टालना, और टू एबेट का अर्थ होता है उसकाना या प्रेरित करना। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उसके बाद है सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। सवाल क्या है, सवाल है आपका स्टीम्ड, स्टीम्ड, स्टीम्ड में यहाँ पे ESTEMED स्पेलिंग सही है, इसका अर्थ होता है जाना माना, ठीक है, या सम्मानित। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ QEG, ठीक है। QEG का सिनोनिम आपको बताना है। तो QEG का अर्थ होता है दुर्बल पाचन शक्ति वाला, या कोमल, या चिड़चिड़ा। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्क्वीमिश हो जाएगा। स्क्वीमिश का मतलब होता है चिड़चिड़ा या नकचढ़ा, ठीक है। और अस्मक का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट का मतलब होता है आपका धैर्यवान या शांत, और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आपका आत्मसंतुष्ट, ठीक है। इसमें आपका अल्टरनेटिव शब्द यानी जो सही शब्द होगा उसको चुन के भरना है। डैश बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द बिजनेस, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट लेड टू, हाँ फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन, ठीक है। यानी टकराव, टकराहट नहीं होना चाहिए स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको आपके बिजनेस को राह में ले जाएगा। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ फुलमिनेशन, फुलमिनेशन का एंटोनिम बताना है। तो फुलमिनेशन का अर्थ होता है गरज, तीर विरोध या बम विस्फोट। तो इसमें जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। आपको लग रहा है कि ये जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया है यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना है तो कीजिए, ठीक है, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन में टिक लगा दीजिए। तो यू कैन बाय ए प्लास्टिक कवर टू पुट इनटू योर कंप्यूटर इफ़ यू आर वरीड अबाउट डस्ट, यानी आप अपना कंप्यूटर को अगर लग रहा है कि इसमें डस्ट पड़ रहा है तो उसको प्लास्टिक कवर से ढक के रख सकते हैं। तो पुट इनटू दिया है, तो इसमें हो जाएगा आपका पुट ओवर हो जाएगा, पुट ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा पुट ओवर, पुट इनटू नहीं होगा, पुट ओवर का मतलब होता है ढकना। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो द टीचर वाज हाईली डैश विथ माय ईसे, तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, ठीक है, इम्प्रेस्ड जो दिया है यानी प्रभावित होना। और एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित, और इंटरेस्टेड का मतलब होता है उत्सुक, और डैमेज्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी ग्रामेटिकल इरर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। इफ़ यू पे योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर व्हेन सी लीव्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द जॉब कुड बी योर, ये आपका ग्रामेटिकल इरर है। सही प्रयोग होगा द जॉब कुड बी योर्स, ठीक है,
क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नो इंप्रूवमेंट वाला सवाल है, नो सब्स्टिट्यूशन वाला। सी हैज डिसाइड ऑन टू डू ये चाइनीज लैंग्वेज कोर्स। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ ऑन टू डू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका ऑन डूइंग। ठीक है, ऑन डूइंग या टू डू। चलिए 16 नंबर सवाल, आपको उचित वर्ड चुन के खाली स्थान को भरना है। डैश आई विटनेस द न्यूज रिपोर्टर सेड दैट सिक्स आर्म मैन रॉब द बैंक। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्वोटिंग हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वोटिंग आई विटनेस। चलिए सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवेन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना है आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक वर्ड में। तो ये पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, तो उसको क्या कहते हैं? जो पैसा को प्रेम करता है उसे खर्च करने से घृणा करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइजर, कंजूस। और इन्वेस्टर का मतलब होता है निवेशक, और बैंकर का मतलब होता है बैंक कर्मी, और लेंडर का होता है ऋणदाता। उसके बाद सवाल है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवेन। वन हु लॉसेस टेम्पर वेरी सून। तो इसमें जो हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है जाएगा वह व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा करता है, तो इसको कहेंगे हॉट हेडेड। और टेम्पोरल का मतलब होता है क्षणिक। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? क्षणिक। और इसमें दिया है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है तार्किक, और टेम्पर मतलब होता है स्वभाव या मिजाज। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक इडियम दिया हुआ है, उस इडियम का मतलब को बताना है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी अंडा से निकलने से पहले अपने चिकन को की गिनती नहीं करना, ये इसका मीनिंग आ रहा है। लेकिन इसका जो होता है कि अभिष्ट की प्राप्ति के प्रति तब तक निश्चित ना हो जब तक उसे पा ना लो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि नॉट टू बी टू श्योर। तो इसमें जो हो जाएगा नॉट टू बी टू श्योर दैट समथिंग गुड यू होप फॉर विल रियली हैपन, इट माइट नॉट हैपन आफ्टर ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें क्या लिखा, आई कुडंट हियर व्हाट वाज शी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लांट्स टेकिंग ऑफ। आई कुडंट हियर व्हाट वाज शी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लांट्स टेकिंग ऑफ। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्हाट वाज शी सेइंग का सही प्रयोग, व्हाट वाज शी प्लेइंग हो जाएगा इसमें। यहाँ पर गलती है व्हाट वाज शी सेइंग। चलिए आगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।